How to edit your normal photo collage like this to this. फोटो कोलाजेस का ट्रेंड तो बहुत सालों या फिर कहे तो बहुत दशकों से चलता आ रहा है, पर टू बी ऑनेस्ट आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो फोटो कोलाज है वो काफी ज्यादा ओवर यूज है? मतलब 2015 देखो या फिर 2021, कोलाजेस आर सेम। तो सीट बेल्ट को बांधिए और दिमाग को करिए फोकस, क्योंकि हम लोग आज कोलाज नहीं सीमलेस कोलाज बनाने वाले हैं। स्टेप वन टूल्स। अब मान लो आपके पीछे एक कुत्ता पड़ चुका है और आपके हाथ में है एक पत्थर, और अगर आपने उस पत्थर को उसको नहीं मारा तो वो तो आपको काटने वाला है, तो उस समय क्या हथियार मांगोगे कि भाई बंदूक चाहिए, कि उस पत्थर से ही काम चलाओगे? तो ठीक उसी प्रकार टूल्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपके पास फोन है तो उससे भी हो सकता है, और अगर पीसी है तो कहना ही क्या है, लैपटॉप और पीसी सेम होता है, तो समझ लेना थोड़ा। पर तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलेंगे भाई पिक्सआर्ट पे करो, स्नैपसीड पे करो, फोटोशॉप पे करो, गिम्प पे करो। तो देखो ये खोल के बैठो तो सब पे हो जाएगा, और अगर ये बंद है तो छाप के भी कोई फायदा नहीं है। स्टेप टू कैनवास। जितने फोटो मैंने आपको दिखाए वो सभी इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम में जो आपको फोटो दिखता है स्क्वायर फॉर्मेट में छोटा सा प्रोफाइल सेक्शन में, वो होता है 1080x1080p, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। और आप इससे जाना ज्यादा बड़ा करना ना ज्यादा छोटा करना। अब मान लो आपका फोटो को 3 वाइड रखना है और आपको 4 वाइड लंबा रखना है, मतलब 4 सेक्शन में फोटो दिखना चाहिए, तो आप 1080x3 कर लो और हाइट में उसको कर लो 1080x4, और जो भी नंबर आएगा उसको अपना फोटोशॉप में डाल दो लिख के। पर एक मिनट, फोटोशॉप में तो ये चीज़ पूछ रहा है, मोबाइल में कैसे करेंगे? तो देखो करना क्या है, वो गूगल करना है, लिखना है वाइट बैकग्राउंड और उसके बगल में साइज, जो भी साइज आपको चाहिए। मान लो 1080p x 1080p चाहिए सिर्फ एक टाइल का, तो आप वो सेलेक्ट कर लो और उस पर डबल एक्सपोजर करके कमाल कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 कंपोजिशन। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंपोजिशन। कंपोजिशन सही नहीं रहा तो फोटो बिल्कुल बर्बाद लगेगी, और कंपोजिशन सही है ना तो मोबाइल वाला फोटो भी DSLR से कम नहीं लगेगा। तो कंपोजिशन बनाना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले लाइट, जैसे इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है, इधर साइड थोड़ा लाइट ज्यादा है और इधर साइड थोड़ा कम है ना, तो आपको लाइट और शैडो की डायरेक्शन को ध्यान देना है। हर फोटो में लाइट और शैडो लगभग एक जैसा ही रहना चाहिए, अगर अपोजिट है तो फिर उसके बाद अलग से एडिटिंग लगेगा, अलग से फिर आपको लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर शैडो ड्रॉ करना पड़ेगा। पर आप ट्राई करना कि आपको लाइट और शैडो एक जैसा मिल जाए। सेकंड चीज, ये भी ट्राई करना कि सारा फोटो एक ही कैमरा से खींचा हुआ हो या एक ही स्मार्टफोन से, ताकि मेगापिक्सल डिफरेंस ना आए। थर्ड, एक्सपोजर पे ध्यान देना है, ये नहीं कि आपका एक फोटो बहुत ज्यादा चमक रहा है और एक फोटो बहुत ज्यादा अंधेरे में है, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप एक्सपोजर पे भी ध्यान देना। अब कितना स्टेप जानोगे, इतना ही पे आपको ध्यान देना है। और हाँ एक चीज जरूर करना है, इसको लगाना है कि कौन सा फोटो लेफ्ट लगेगा, कौन सा फोटो मिडिल में और कौन सा फोटो राइट में, ये चीज देख लेना, वरना फिर फोटो बर्बाद लगेगा। स्टेप नंबर 4 कटआउट। अब सारा चीज को सेट कर लेने के बाद आपको बस करना है कटआउट, कार्ड छाट। अब कार्ड छाट का काम बहुत ज्यादा सिंपल है, फोटोशॉप में तो बस पेन टूल लेना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करते जाना है। रफली सेलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पर आप प्रिसाइजली करना, आपको दिखाने के लिए मैं ये चीज को जल्दी कर रहा हूँ, वरना मुझे पूरा फोटो एडिट करने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया है। तो जैसे ही सिलेक्शन जब हो जाए कंप्लीट, और बालों के पास आप थोड़ा सा बाहर से सिलेक्शन कर सकते हो जिसको कि हम लोग बाद में रिफाइन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको करना है राइट क्लिक और मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर मेक सिलेक्शन के बाद आपको जाना है सेलेक्ट पे और रिफाइन एज पे शिफ्ट क्लिक किए हुए उस पर क्लिक करना है माउस से लेफ्ट क्लिक, वरना कुछ ऐसा खुलेगा। पर अगर आप सिर्फ क्लिक करके खोलोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। फिर आप ब्रश से थोड़ा बहुत रिफाइन एज कर सकते हो, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है न्यू लेयर विथ अ लेयर मास्क और कर देना है ओके। आप देख सकते हो आपका एक नया लेयर बन चुका है लेयर मास्क के साथ, जिसमें कि आपका बस वो डिजाइन एरिया ही दिख रहा है। इसी तरह से नंबर 2 और नंबर 3 को भी कर सकते हो। मैंने 2 को नहीं किया, 2 पीछे छुप जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और 3 को कर लेता हूँ क्योंकि 3 तो ऊपर रहने वाला है उन सभी के। तो 3 को भी मैंने इस तरह से कटआउट कर लिया, और आप देख सकते हो आपका फोटो लगभग थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, पर अब भी उतना सीमलेस सा नहीं लग रहा है, पता चल रहा है कि भाई काट के ऊपर से डाला हुआ है। इसको कैसे ठीक करें, तो अब आता है कमाल मास्क का। आपको सेलेक्ट करना है मास्क पे और क्लिक करना है ब्रश टूल पे। आपको कलर कर लेना है व्हाइट और ब्लैक, जिसको कि आप इस आइकन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर व्हाइट से सब चीज़ रिवील हो रहा है, जो चीज़ छुपा हुआ था, तो ब्लैक से सब चीज़ गायब होगा। आप इसको करके आप अपने ब्रश को बिल्कुल कम हार्डनेस पे, एक थोड़े से बड़े साइज में करके आप अच्छे से मास्क को क्लियर कर सकते हो, और अपना जो एजेस है उसको कर सकते हो स्मूथ। अब शॉर्टकट है अल्ट क्लिक करके, लेफ्ट राइट करोगे तो साइज बढ़ेगा या घटेगा, और अगर अप डाउन करोगे तो हार्डनेस बढ़ेगा घटेगा। तो ये सब शॉर्टकट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो तो, वरना स्नैपसीड और पिक्सआर्ट का क्या बोले, उसमें तो बस उंगली से रगड़ना है। आप स्नैपसीड में डबल एक्सपोजर ले सकते हो, और पिक्सआर्ट में तो भाई लेयर बाय लेयर भी कर सकते हो। पर अब चलो हो गया सारा एडिटिंग,
उसके बाद करना है थोड़ा सा कलर ग्रेड। अब कलर ग्रेड आपका अलग हो सकता है, तो कलर ग्रेड करने के बाद आपको करना है इसको सेव। पर रुको, अगर सेव करेंगे तो पूरा फोटो एक जैसा नहीं आ जाएगा, मतलब कटा हुआ तो चाहिए हम लोग को, तभी तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट अलग अलग फोटोज को लगाएंगे ताकि देखने में सीमलेस लगे, वरना एक ही पोस्ट हो जाएगा। कैसे करें है उपाय, आपको क्लिक करना है ऊपर से फोर्थ ऑप्शन जो कि है क्रॉप टूल, उस पर राइट क्लिक करो और आप स्लाइस टूल को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको करना है राइट क्लिक अपने फोटो पे और डिवाइड पे जाके अपना आप जितना भी फोटो का आपने अपना पहले कैनवस बनाया था उसके हिसाब से नंबर डालो और डिवाइड करके स्लाइस कर लो। वहाँ पे लाइन बना हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको करना है सेव। सेव का ऑप्शन बहुत आसान है यहाँ पे। फोटोशॉप में आपको करना क्या है कि फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, उसके जाना है सेव फॉर वेब ब्रैकेट में लेगसी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओरिजिनल पे, क्वालिटी को रखना 73% ताकि मिनिमम कंप्रेशन हो और कर लो एक्सपोर्ट। पर स्नैपसीड और पिक्सार्ट का क्या, वहाँ पे तो ऐसा साइज ऑप्शन करके सेव नहीं आता है करने का, तो आपको नॉर्मल वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है 100% क्वालिटी पे। और एक्सपोर्ट के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि इंस्टाग्राम के फोटोज को काटने के लिए काम आता है। तो आपको यहाँ पे डालने के बाद अपने फोटो को इंपोर्ट करना है और कट कर लेना है जितने पार्ट में आपको अपना फोटो चाहिए, मतलब ग्रिड क्रिएट कर लेना है। पर एक मिनट, जिस तरह इंडियन मम्मियाँ साड़ी की दुकान में जाने के बाद एक साड़ी देखकर सेलेक्ट नहीं करती हैं, उसी तरह से इस एक वीडियो को देखकर सब्सक्राइब मत करना। नीचे बहुत सारे वीडियोस हैं, जाओ आराम से देखो और फुर्सत में अगर अच्छा लगे काम तो सब्सक्राइब कर लेना।